हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द 1.2 पॉइंट टू असिन दस बिज फैमिली रोबिंस है इसकी जो पहले का वीडियो है तो उसमें मैंने हाफ पोर्शन आपका क्लियर करवा दिया है एंड दिस इज द नेक्स्ट पोर्शन मैंने यहाँ पे एज अ पार्ट टू इसको दिया है सो लेट स्टार्ट थिंकिंग अड ऑफ द नेक्स्ट विंटर फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स अ स्ट्रॉग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्वस एंड देयर बिलोंगिंग्स देखिए इसके पहले जो कहा था एलिजाबेथ ने कहा था कि उनको शिफ्ट होना है दूसरी जगह पे तो वहाँ पे नेक्स्ट विंटर के बारे में सोचते हुए फादर मीन्स विलियम भी डिसाइड करते हैं टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स यानी कि जो एलिमेंट्स हम जिसको बोलेंगे यानी कि वहाँ पर जो कुछ जानवर्स होंगे या तो फिर कंपोनेंट्स होंगे कुछ और हो सकता है वहां पे वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं तो उनको खुद को उनसे खुद को सेफ करने के लिए आ, फादर बोलते हैं कि हमें मूव होना चाहिए अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट एंड देयर बिलोंगिंग्स बिलोंगिंग्स मीन्स क्या होता है उनकी जो प्रॉपर्टी है वहां पे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो सोचते हैं कि क्यों ना हम किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाए फ्रीड्स फ्रीड्स कैम्पअप विद द आइडिया ऑफ अ केव जो फ्रीड्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि वो खुद का केव बनाए वहाँ पे। नॉट फाइंडिंग वन दे थॉट ऑफ काविंग आउट देयर ओन केव और वो सजेस्ट करता है कि हमें कोई नए नॉट फाइंडिंग वन यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी जो बने हुए केव्स हैं हमें वो फाइंड नहीं करना है तो हमें क्या करना है दे थॉट ऑफ काविंग आउट देयर ओन केव कार्विंग आउट यानी कि जो डिज़ाइन uh, फ्रॉम यानी कि जो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं तो उनसे कुछ डिजाइन फॉर्म करना तो उसको बोलते हैं कार्विंग तो यहाँ पे दिया है कि वो सोचते हैं कि क्यों ना हम खुद का केव कार्विंग से रॉक से खुद ही बनाए रॉक यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं बहुत बड़े बड़े तो उनमें केव हम हमारी खुद बनाएंगे ऐसे वो सोचते हैं अबंटिंग सॉरी अबटिंग देयर कैंपिंग साइट अबटिंग यानी कि क्या होता है नेबरिंग और नेक्स्ट टू यानी कि वो पहले जहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे उससे थोड़ा सा बाजू में या उसके नेक्स्ट थोड़ा सा साइड में नेबरिंग साइड में वो सोचते हैं कि वहाँ पे ही हम केव बनाएंगे ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक यानी कि आ, जो रॉक यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर होते थे तो उसका जो स्मूथ फेस है स्मूथ साइड जो है तो वहाँ पे क्या होता है फादर मार्क द डायमेंशन फॉर एन ओपनिंग ओपनिंग यानी कि एंट्रेंस यानी कि दरवाज़ा ये जो फादर है वो क्या करते हैं वहाँ पे मार्क करते हैं कि यहाँ पे दरवाज़ा बनेगा यानी डायमेंशन यानी कि जो मेजरेबल एक्सटेंट होता है ऑफ पर्टिकुलर काइंड जैसे कि लेंथ है डेप्थ है हाइट है ब्रिथ है तो ऐसा जो पर्टिकुलर मेजरमेंट है तो वहाँ पे वो डायमेंशन लिख देते हैं कि यहाँ से हमारा एंट्रेंस रहेगा वो कैलकुलेशन करके पूरा वो लिखते हैं वहाँ पर देन they picked away at the hard surface with their axes chisels hammers and shovels dekhi yahan pe diya hai make the dimensions for an opening and they picked away at the hard surface yani ki wo jo hard surface hai abhi unhone apne apne वेपन्स लेके वहाँ पे उन्होंने वो खोदना शुरू कर दिया क्या क्या है उनके पास एक्स है यानी कि कुल्हाड है chisels, चीजल्स यानी कि क्या होता है एक long bladed weapon होता है जिसको long blade होता है hand tool है वो hand से इस्तेमाल कर

क्रॉस करंट यानी कि क्या होता है करंट अ रिवर और सी इसके लिए जनरली वो क्रॉस करंट वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि फ्लो होना चाहिए यानी कि करंट uh, का जो फ्लो होता है उसके लिए क्रॉस करंट वर्ड यूज करते सी और रिवर के लिए लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है क्रॉस करंट ऑफ एयर और एयर एंड फॉर सनलाइट टू एंटर दे केव के अंदर एयर और सनलाइट आ जाए और उनका क्रॉस करंट हो यानी कि वो फ्लो रहे उनका एक जगह से दूसरी जगह वो हवा फैलती रहे वहाँ पे इसलिए उन्होंने वहाँ पे विंडोज़ बनाए वन दे हैड फिनिश दे हैड फोर रूम्स कम्प्लीट विथ अ फायर प्लेस दे नाउ हैड अ न्यू विंटो होम देखिए अभी उनकी जो केव है वो बन के तैयार हो गई और जब उन्होंने फाइनली बना दिया तो उन्होंने क्या बनाया था फोर रूम्स चार रूम बनाए थे कंप्लीट विथ अ फायर प्लेस यानी कि उनके हर घर में आप देखते हैं आय आयल हम मूवी में वगैरह देखते हैं फायर प्लेसेस होते तो वहाँ पर फायर प्लेस बनाया चार रूम बनाए अब उनका घर तैयार है बिकॉज ऑफ़ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ट फेल्ट ऑपरेसिव देखिए बिकॉज ऑफ द लो लाइट वहाँ पे केव है वहाँ पे अंदर ज़्यादा लाइट नहीं जाती थी तो इसीलिए उनका जो केव है वो कैसे लग रहा है ऑपरेसिव ऑपरेसिव यानी कि थोड़ा सा स्लर्टी लग रहा है थोड़ा सा क्लोज क्लोज सा सनलेस लग रहा है सफोकेटिंग लग रहा है उनको टू रिमेड धिस फादर एंड जैक रिक्ड अप अ न्यू लाइट टू रिमेड दिस यानी कि ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए फादर ने और जैक ने क्या किया रिक्ड अप अ न्यू लाइट रिक्ड यानी कि मैनेज और कंडक्ट करना उन्होंने कैसे तो भी करके मैनेज uh, किया लाइट लाना वहाँ पे कैसे किया है देखो दे फाउंड ए बैम्बू पोल दैट वुड रीच फ्राम द फ्लोर टू द सेलिंग एक उन्होंने बड़ा सा बैम्बू लिया जो कि फ्लोर से सेलिंग तक ऊपर तक जा सके यानी कि नीचे से ऊपर तक सेलिंग यानी कि जो अपर इंटेरियर सर्फेस होता है रूम का इंटीरियर सर्फेस अपर वाला उसको सेलिंग बोलते हैं तो यहाँ पे जो सीलिंग है तो, तो वहाँ तक उन्होंने जो हम घर में बल लगाते हैं सीलिंग फैन सीलिंग फैन यानी कि जो हमारा स्लैब होता है तो उसके अंदर की साइड पे लगाते हैं हम सीलिंग क्यों बोलते हैं क्योंकि अपर जो पोर्शन होता है रूम का उसको सीलिंग बोलते हैं इसीलिए वहाँ पे लगाते हैं इसीलिए सीलिंग फैन तो ऐसा बाम्बू जो नीचे से ऊपर तक जा सके ऐसा उन्होंने सीलिंग फैन सॉरी सीलिंग तक पहुँचने वाला एक बाम्बू लाया देन आफ्टर सिक्योरिंग इट जार क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द पोल एंड हंग अ लार्ज ऑयल लैम दैट दे हैड रेस्क्यू फ्रॉम द शिप देखिए यहाँ पे उसने क्या किया सिक्योरिंग इट यानी कि उस बम्बू को उन्होंने फिक्स कर दिया जैक क्लाइं जैक चढ़ा वहाँ पे टू टॉप द टॉप ऑफ द पोल उस पोल का जो उप, जो उस पोल का ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर जाग गया पहुँचा एंड चढ़ चढ़ के गया वहाँ तक एंड हैंग अ लार्ज ऑयल लैम्प जो कि ऑयल लैम्प यानी कि जो जिसमें वो तेल से चलता है ऐसा लैम्प दे हैव रेस्क्यू फ्रॉम द शिप यानी कि वो जो शिप में अटक गए थे तो उस शिप में से उन्होंने कुछ सामान साथ में लाया था तो उस शिप में से ये जो ऑयल लैम्प है ये भी इसने साथ लाया था तो ये ऑयल लैम्प उसने ऊपर लटका दिया उस गम्ब को वन डे दे फाउंड दैट वन ऑफ द फैमिलीज हर्ट्स हैड बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एक दिन क्या हो गया उनको ध्यान में आया कि उनकी जो हट्स है यानी कि वो काफ़ी सारे हट्स बनाए होंगे वहाँ पे उन्होंने रहने के लिए एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तो उनको ध्यान में आया कि उनमें से से एक हट में से क्या हो गया कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय एक हट उनमें से कम्प्लीट डिस्ट्रॉय हो गया एंड द कल्टिवेटेड फील्ड्स अराउंड इट हैड बिन ट्रैम्पल एंड रुविन कल्टीवेट फील कल्टीवेटेड फील्ड्स यानी कि उन्होंने वहाँ पे छोटे छोटे खेत बनाए होंगे हरे भरे खेत तो उनका भी क्या हो गया बिन ट्रैम्पल एंड रूइन ट्रैम्पल मीन्स क्या होता है क्रश और वॉक ओवर एंड रूइन यानी कि डिस्ट्रॉय यानी कि उनका हट और उनके जो कल्टिवेटल फील्ड्स है या छोटे छोटे फार्म्स है वो किसी ने तो भी डिस्ट्रॉय कर दिए ऐसे उनको ध्यान में आया दे आर वेयर ह्यूज फुट मार्क्स एवरीवेयर और सब तरफ उनको मार्क यानी कि पैरों के निशान सबको दिख रहे थे ह्यूज यानी कि बड़े बड़े फादर्स ऑफ मैसिव डैमेज टू ट्रीज मैसिव यानी कि ह्यूज uh, जिसको बोलेंगे या जिसको बोलेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में तो डैमेज डैमेज यानी कि उनका बहुत डिस मास डिस्ट्रक्शन हुआ वहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं हम उनका बहुत नुकसान हो गया एज वेल एज मेनी ह्यूज फ्रूट फ़्रूट प्रिंट्स वीच ही आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू एन एलिफेंट हर्ड देखिए जो फादर है वो कंक्लूजन uh, निकालते हैं बड़े बड़े से ह्यूज ह्यूज से फुटप्रिंट दिखे कि यहाँ पे क्या है एलिफेंट हर्ड हर्ड यानी कि अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स काफी सारे एनिमल्स एक जब साथ में रहते हैं तो उसको बोलते हैं हर्ड तो यहाँ पे उनको लगा कि यहाँ पे एलिफेंट्स का झुंड आया था द नेक्स्ट मॉर्निंग द फैमिली बिगन टू डिजाइन अ न्यू डिफेंस टू डिसक्रेज ऑल वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम द एंटरिंग देयर कल्टिवेटेड लैंड्स देखिए दूसरे दिन सुबह क्या हुआ द फैमिली बिगन टू डिजाइन अ न्यू डिफेंस डिफेंस यानी कि बचाव करना रेस्क्यू करना उन्होंने फिर से खुद को बचाने के लिए उनके जो कल्टिवेटेड लैंड है देखे यहाँ पे दिया कल्टिवेट लैंड को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया फॉर्म डिस्करेज ऑल वाइल्ड एनिमल्स डिस्करेज मीन्स क्या होता है टू प्रिवेंट और पुट अ स्टॉप टू यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका एंट्री उनके कल्टिवेट लैंड में रोकने के लिए उन्होंने कुछ वहाँ पर इंतजाम कर दिया मे uh, बी उन्होंने फेंस वगैरह कुछ लगाया होगा वहाँ पर दे ऑल्सो फाइनलाइज देअर आइडियाज़ अबाउट द न्यू रेसीडेंस और उन्होंने अब सोचा कि हमें और कहीं जगह पर शिफ्ट होना है न्यू रेसिडेंस रादर दैन फाइनलाइज किया फाइनली उन्होंने तय कर लिया राधर देन बिल्डिंग अ हाउस ऑन द स्टिल्टीच द एलिफेंट्स कूड नॉक डाउन ईजीली दे वुड यूज फॉर स्ट्रोंग ट्रीज ग्रोइंग इन अ स्क्र नियर टू वन अनादर एज अ फाउंडेशन देखिए रादर देन बिल्डिंग अ हाउस ऑन द स्टिल्ट स्टिल्ड यानी कि क्या होता है जो हम हम जब बड़े बड़े से बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके जो बॉटम में हम रॉड्स वगैरह लगाते हैं तो वो वैसा यानी कि बेसमेंट हम खुद बनाएंगे उसके बाद में उसके ऊपर घर बनाएंगे तो ऐसा घर बनाने से अच्छा है विच वो बोलते हैं विच एलिफेंट कुड नॉक डाउन ईजिली नॉक डाउन ईजिली यानी कि डिमोलिश करना और डाउन या पुल डाउन यानी कि जिस हमार हमारे बने हुए घर को अगर एलिफेंट जो है वो ईजिली पुल डाउन कर सकते ईजिली तोड़ सकते तो ऐसा घर बनाने से बेहतर क्या रहेगा दे वुड यूज़ फोर स्ट्रांग ट्रीज़ ग्रोइंग इन अ स्क्वेयर नियर वन अनादर एज द फाउंडेशन वो चाहते कि हमें चार ऐसी ट्रीज मिल जाए जो कि बहुत स्ट्रांग है और वह स्क्वेयर में यानी कि चार ट्रीज स्क्वायर की आ, शेप में बढ़ रहे ऊपर ऊपर यानी कि वो क्या करेंगे उस ट्रीज का फाउंडेशन की तरह यूज़ करेंगे द ट्रीज वेयर इक्वल साइज़ और वो ट्रीज इक्वल साइज़ की भी होनी चाहिए बड़े बड़े भी होनी चाहिए स्क्वायर साइज़ में भी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व फीट अपार्ट और एक दूसरे से बारह फुट की दूरी पर वो होनी चाहिए दस दे बिल्ट अनादर सेफ होम देखिए बिल्ट दिया है यानी कि उन्होंने अभी दूसरा घर बना लिया यानी कि वैसे उनको चार ट्रीज मिल गए जो स्क्वेयर में बढ़ रहे हैं स्क्वेयर फॉर्मेट में स्क्वेयर शेप में जो बड़े बड़े हैं ट्वेल्व फिट के ऊपर बढ़े उनकी साइज़ भी सेम है ऐसे ट्रीज उनको मिल गए टेन ईयर्स पास एंड द यंग बॉयज़ वे आर नाउ यंग मैन दस साल हो गए उन्होंने उस आइलैंड पे वो रह रहे हैं अब जो उनके बच्चे थे तो अभी वो यंग मैन बन गए एंड देयर पेरेंट्स वे वेरी प्राउड और उनके पेरेंट्स भी हैं वो भी उनको प्राउड फील कर रहे थे दे कॉल द आईलैंड न्यू स्विट्जरलैंड और उस आईलैंड को वो क्या बोलने लगे खुद ही न्यू स्विट्जरलैंड बोलने लगे मेनी एडवेंचर्स अकर ओवर द ईयर और इन दस सालों में काफ़ी सारे एडवेंचर्स वहाँ पे हुए ऑन द शोर ऑफ़ द अनादर आइलैंड फ्रिट्स हैड नॉक डाउन एंड अलबैट रोज देखिए ऑन द शोर ऑफ़ द अनादर आइलैंड दूसरे आईलैंड पे फ्रिड्स ने क्या किया नॉक डाउन द दा अलबैट रोज अलबैट रोज नाम का एक बर्ड है उसको मार गया गिराया फ्रिट्स ने विच वॉज थ्रिटेनिंग टू तो अटैक ही और जो बर्ड है वो जो अलबैट रोज है वो क्या कर रहा है थ्रिटेनिंग थ्रिटेनिंग यानी कि शोविंग एंड इंटेंशन टू तो क्रॉस बैडली हार्मी की हमारे बॉडी को जो बैडली हार्म है ऐसे कुछ वो बर्ड जो है वो फ्रिड्स को डरा रहा था तो इसीलिए फ्रिड्स को थोड़ा सा डेंजर लगा तो फ्रिड्स ने उसको क्या किया मार दिया मार दिया यानी कि नॉकडाउन ने नीचे गिराया सॉरी मारने नीचे गिराया फाउंड रैक टाइट टू द लार्ज बर्ड्स रैग और वहाँ पे क्या दिखा जब वो उसको नीचे गिराया उस बर्ड को मार नहीं दिया जिंदा है बर्ड उसको जब नीचे गिराया तो उसको फ्रिट्स को क्या दिखा रैग रैग रहने की क्या होता है अ पीस ऑफ ओल्ड क्लॉथ जिसको बोलेंगे एक पुराना फटा हुआ सा कपड़ा एक उस बर्ड के पैर को बांध के दिखा ऑन द रैग वॉज मैसेज दैट एन इंग्लिश ऑन द स्मोकिंग रॉक और उस फटे हुए कपड़े पे लिखा था कि एक इंग्लिश वुमेन है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यानी कि ट्रैप हो जाना या तो फिर हेल्पलेस होना या कट ऑफ होना तो एक इंग्लिश वुमन एक स्मोकिंग रॉक पे यानि कि जिसमें से धुआं निकलता है ऐसी रॉक पे एक इंग्लिश वुमन से उस इस पर लिखा था उस रैग पे लिखा था फ्रिड्स हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज फ्रिड्स ने वो मैसेज तो पढ़ा लेकिन फ्रिड्स को नहीं पता था कि वो मैसेज कब का है कब से उस पंछी के पैर पे लटका हुआ है हीज़ फादर सजेस्टेड दैट स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक अ रेफरेंस टू अ वल्कानो वोलकैनो वोलैनो यानी कि ज्वालामुखी फ्रिड्स के जो फादर है फ्रिड्स के जो फादर है वो बोलते हैं स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक अ रेफरेंस टू अ वल्कॉनो यानी कि स्मोकिंग वॉक जो है रॉक जो है वो ऐसे लग रहा है कि कहीं वोलकैनो है वहाँ पे वो वुमेन यानी कि कहीं ज्वालामुखी के पास वो वुमेन फंसी हुई है ज्वालामुखी के पास के जो रॉक होते हैं उसी में से ऐसे स्मोक निकलता है सिंस देयर वे नो वोकैनोज इन द दिसनेटी देखो विसिनिटी यानी कि द एरिया नियर अस और नेबरहुड हम बोलेंगे हमारे आसपास का जो एरिया है उसको बोलते विसिनिटी तो सीन्स देयर वेर नो वल्कैनज इन द विसिनिटी तो उनके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे कोई भी वलकैनो नहीं था द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड ऑफ माइल्स अवे और वो जो बर्ड है वो बोलते कि मे बी ये बर्ड बहुत दूर से आया है हज़ारों हंड्रेड माइल्स अवे यानी कि सो माइल दूर से वो आया है क्योंकि उनके आसपास के एरिया में कोई वलकैनो नहीं था हाउ एवर फ्रीड्स फेड दैट समीडेड हीज हेल्प लेकिन फ्रिड्स को ऐसे लगता है कि कोई तो है जिसे मेरी हेल्प चाहिए he, उसको फील होता है ही वॉज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट टू फाइंड देंडर डिटरमाइंड यानी कि फॉर्मली डिसाइड करता है वो फाइनली कि मुझे किसी भी हालत में उस लेडीज की हेल्प करनी है बिफोर रिटर्निंग होम ही हैज ओन नॉट ऑन द रैग घर आने से पहले वो भी उस रैग पे यानी कि उस फटे हुए कपड़े पर कुछ लिखता है क्या लिखता है रैग रिटाइड इट टू द एल्बर्ट रोज लेग और वो उस फटे हुए कपड़े पे कुछ लिखता है और वो उस पंछी के पैर पे फिर से बांध देता है एंड दैट वॉच द बर्ड फ्लाई ऑफ़ और वो देखता है कि वो बर्ड कब उड़ जाए और किस एरिया में वो बर्ड जाता है वो देखता है यानी कि बर्ड उड़ की कौन सी साइड में जा रहा है वह ऑब्जर्व करता है द नोट टोल्ड हु एवर रिसीव्ड इट और उस नोट में वो लिखता है कि को जो कोई भी है जो रिसीव करेगा उसके लिए लिखता है डू नॉट डिस्पेयर डिस्पेयर यानी कि डिस्करेज और डिस्ट्रेस वो नोट में लिखता है कि घबराना मत हेल्प इज नियर तुम्हारे हेल्प जो है वो अभी तुम्हारे पास है यानी कि हमें आने आने ही वाले हैं फ्रीड्स देन सक्सेसफुली रेस्क्यू द यंग यानी कि उस पंछी को मे बी उन्होंने उसने फॉलो किया होगा फ्रिड्स ने अभी देखो इट इज़ द आउटलाइन ऑफ द नावल इसमें डिटेल नहीं दिया है कि फ्रिड्स उस वुमेन के पास कैसे पहुंचा लेकिन फाइनली यहाँ पे दिया है सक्सेसफुली रेस्क्यू द यंग वुमेन फ्रिड्स उस यंग वुमेन को बचा लेता है उस वुमेन का नाम है जेनी मॉन्ट्रोज मॉन्ट्रोज नाम की जो जेनी मॉन्ट्रोज नाम की जो लेडी है उसको फ्रिड्स बचा लेता है सिर्फ यहाँ पे इतना दिया है बर्ड फ्लाई ऑफ़ यानी कि बर्ड वो किस वे में जा रहा है वो उतना ऑब्जर्व करता है दो शा एट फर्स्ट सुन शी गॉट यूज टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली देखिए जो विलियम की फैमिली है उसके साथ वो जेनी मॉन्ट्रोज रहने लगती है शाए एट फर्स्ट शुरू शुरू में वो शर्माती है लेकिन वो बाद में यूज टू हो जाती है यूज टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली उनके साथ यूज टू हो जाती है वन डे दे सॉ अ शीप एक दिन उनको वहाँ पे उनके आईलैंड के पास शीप दिखता है विच हैड लाइट एंकर एंकर यानी कि अ हैवी ऑब्जेक्ट अटैच टू अ चेन यानी कि शिप में आपने देखा होगा एक हेवी ऑब्जेक्ट होता है जो कि पानी में छोड़ा जाता है तो उसकी जो हैवीनेस है उसका जो वजन है तो उसकी वजह से शिप एक जगह पर रुका रहता है तो इन्होंने एक शिप वहाँ पर देखा और देखते हैं कि वहाँ पे एंकर अंदर सी के अंडर डाला जा रहा है यानी कि इनके आइलैंड के पास वो शिप रोक के है एंड इनकेट हैंडबीन सेटअप ऑन द स्मॉलर आइलैंड्स एनकेम्पमेंट यानी कि अ प्लेस विथ टेम्पररी अकोमोडेशन यानी कि जनरली वहाँ पे टेंट्स और हर्ट्स लगाया जाते हैं टेम्प्ररी एकोमोडेशन के लिए तो वहाँ आए हैं वो वहाँ पे एनकेम्पमेंट कर रहे हैं आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लास फ्रीड्स एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस दें सेल्स यानी कि पहले फ्रीड्स ने और उसके फादर ने वो जो शिप में से लोग आए हैं उनको ऑब्जर्व किया कैसे स्पाई ग्लास से स्पाई ग्लास मीन्स क्या होता है एक छोटा सा टेलीस्कोप होता है तो वो टेलीस्कोप का यूज़ करके छोटे से उन्होंने क्या किया मे बी उन्होंने कुछ नेचर आ, का यूज़ इस्तेमाल करके टेलीस्कोप वहाँ पे बनाया होगा कुछ नेचुरल थिंग्स के हिसाब से उसका यूज़ करके उन्होंने लोगों का ऑब्जर्वेशन किया जो शिप में से उतरे और बाद में उन्होंने डिसाइड किया फ्रिड्स ने और विलियम ने टू अनाउंस दैम सेल्फ आफ्टर दे हैड रिटर्न होम एंड क्लीन इट अप घर पे जाने के बाद उन्होंने डिस्कस किया क्लीन इट अप अपने घर उन्होंने पूरा साफ सुथरा किया देन उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे हैं ऐसा हम अनाउंस कर देंगे क्योंकि ये भी यहाँ पे अटके हुए थे दे डिड नॉट वॉन्ट द क्रू टू थिंक दे वे और फ्रीड्स और उसके पापा चाहते हैं विलियम चाहते हैं कि दे डिड नॉट वॉन्ट द क्रू क्रू यानी कि द मेम्बर्स आर प्रेजेंट ऑन द शिप शिप के जो लोग हैं उनको क्रू मेम्बर्स बोलते हैं तो फ्रिड्स और विलियम नहीं चाहते हैं कि ये जो क्रू मेम्बर्स हैं ये फ्रिड्स को और विलियम को सेवेजेस समझे सेवेजेस यानी कि प्रिमिटिव या अनसिविलाइज पर्सन होता है या विसीएस पर्सन जिसको होता है अनसिविलाइज पर्सन ना समझे यानी कि विलियम चाहता है कि जो क्रू मेंबर है वो हमें अच्छा लोग समझे द नेक्स्ट डे फ्रीड्स एंड हिज फादर मेड द कैप्टन दूसरे ही दिन फ्रीड्स और उसके पापा कैप्टन से मिलते हैं जो शिप का कैप्टन है एंड टोल्ड हिम देयर हिस्ट्री एज वेल एज जेनीज खुद की भी हिस्ट्री बनाते बताते हैं कि वो आइलैंड पे कैसे अटक गए और जेनी की भी बताते हैं टू एवरी वन सरप्राइज इट हैड बिन जेनीज फादर हु हैड इंस्पायर द कैप्टन सर्च और सबको एक सरप्राइज मिलता है क्या कि वो जो कैप्टन आया है वहाँ पे वो जो शिप आया वो किस बात के लिए आया है वो जेनी को सर्च करने के लिए ही आते हैं बिकॉज जेनी के जो फादर है वही कैप्टन को बोलते हैं कि जेनी को ढूंढना है ही बिलीवुड हीज डॉटर वॉज स्टिल अलाव यू आफ्टर थ्री ईयर्स देखिए तीन साल होने के बाद भी उनकी बच्ची यानी कि जेनी सेफ है ये सोच के उनके जो फादर है वो क्या करते हैं वो सो so, बिलीव करते हैं कि नहीं मेरी फादर सॉरी uh, मेरी जो जेनी है वो अभी तक जिंदा है इसलिए वो कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी जेनी को ढूंढा जाए द कैप्टन है डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर और बाद में कैप्टन भी सोचते हैं कि हम उसको फाइंड आउट करेंगे और इसी खोज में जेनी की खोज में वो शिप वहाँ पर आ पहुँचता है विथ द बर्स ऑफ सेलिब्रेशन द फैमिली पैसेंजर्स एंड क्रि ऑफ द ब्रिटिश वेसल है डेड टूवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड देखिए ब्रस्ट ऑफ सेलिब्रेशन मिल जाने की खुशी में सेलिब्रेशन करते हैं फैमिली यानी कि पूरी विलियम की फैमिली पैसेंजर्स यानी कि जो शिप पे आए थे वो क्री ऑफ द ब्रिटिश वेसल क्री यानी कि क्या होता है आ, मैंने अभी बताया था कि जो मेंबर्स होते क्री मेंबर्स जो शिप वगैरह चलाते हैं वो मेबर्स हेडेड टूवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड हेडेड टूवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड हेडेड यानी कि वो वहाँ से न्यू स्विट्जरलैंड में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं यानी कि जो उन्होंने पहले रहते थे वहाँ पे चले जाते हैं मूव होते हैं मूव इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन न्यू स्विटरलैंड की तरफ चले जाते हैं देन एवरी वन वॉज अमेज बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ ऑफ सर्वाइवर्स अमेज अमेज यानी कि क्या होता है सरप्राइज़ होना या एस्टोनिश होना सब लोग जो शिप पे आए वो अमेज होते हैं एस्टोनिश होते हैं सरप्राइज़ होते हैं किस बात के लिए प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी यानी कि जो वेल्दी और सक्सेसफुल नेस ने, ने होता है या प्रॉफिटेबल नेस होता है वो सब देख के यानी कि आयरलैंड पे रह कर भी इन लोगों ने सब मेंटेन करके रखा ये सब देख के सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं एंड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर्स यानी कि विलियम और विलियम की फैमिली इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं उनकी हेल्थ अच्छी है ये सब देख के सब लोग थोड़ा सरप्राइज़ होते हैं एज द डे एंडेड द फादर रियलाइज दैट डिसीजन्स must be मेड अबाउट हु वॉन्टेड टू स्टे ऑन द आईलैंड एज द एंडेड एज द डे एंडेड जैसे दिन ख़त्म होता है द फादर रियलाइज फ़ादर क्या करते हैं यानी कि विलियम क्या करते हैं दैट डिसीजन्स मस्ट बी मेड अबाउट ये डिसीजन लेना है हु वॉन्टेड टू स्टे ऑन द आईलैंड और रिटर्न विद द शिप विलियम सोचते हैं कि चलो अभी ये डिसीजन लेने का टाइम है कि किसको शिप पे जाना है रिटर्न जाना है और किसको आइलैंड पे रुकना है एलिजाबेथ एंड हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनी वेयर बट ऑन द आइलैंड एलिजाबेथ और उनके फादर मिस्टर हस्बैंड यानी कि विलियम यानी कि विलियम और एलिजाबेथ सो, सोच लेते हैं दैट दे डिड नॉट विश टू लिव एनी वेयर बट ऑन द आइलैंड वो आइलैंड पर ही रहना चाहते वो नहीं जाना चाहते वापस दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग एंड हैड ग्रोन यूज्ड टू देयर लाइफ देखिए वो बोलते हैं कि दे हैड बिन देयर फॉर सो लॉन्ग वो काफ़ी सालों से यहाँ पे रहे हैं एंड हैड ग्रोन यूज टू देयर लाइफ और वो बोलते हैं कि अभी हम यहाँ पर यूज ट हो गए हमारे हैबिट हो गए यहाँ पर रहने की अब हम यहाँ से नहीं जा सकते जैनी आस्क इफ एनी वन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड जैनी बोलते हैं कि क्या मेरे साथ कोई इंग्लैंड के लिए रिटर्न चलेगा फ्रीड्स वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्स फ्रीड्स का पहले सबसे पहले रिस्पॉन्स होता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ इंग्लैंड चलूंगा यानी कि वो जाना चाहता है ही ऑफर्ड चीयर्स फॉर अस हु वे आर गोइंग टू यूरोप और बाद में फ्रीड्स बाकी लोगों को भी चेयर अप करता है और बोलता है हु वे आर गोइंग टू यूरोप कौन कौन यूरोप जाना चाहता है ऐसे अभी वो बोलता है अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉन्टेड टू स्टे ऑन द आईलैंड अर्नेस्ट जो है वो आईलैंड पे ही रहना चाहता है जैक अल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक जैक भी स्टे लैंड आईलैंड पे ही रुकना चाहता है फ्रांस द यंगेस्ट बॉय फ्रांस जो सबसे छोटा है डिसाइडेड टू जॉइन फ्रीड्स इन लिविंग वो फ्रीड्स के साथ जाना चाहता है यानी कि एंड दोनों जाना चाहते हैं इंग्लैंड जाना चाहते हैं फ्रेंस वॉन्टेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडेमिक एजुकेशन फ्रांस जो है वो इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसे एजुकेशन लेने की ख्वाहिश है वो सीखना चाहता है बिफोर फ्रीज लेफ्ट ही टोल्ड हिज पेरेंट्स अबाउट ऑफ हिज लव फॉर जेनी एंड हिज विश टू मैरी हर जाने से पहले जो फ्रीड्स हैं वो जेनी के लिए खुद का प्यार जो है वो अपने पेरेंट्स को बताता है विलियम और एलिजाबेथ को और चाहता है कि वो शादी कर ले द फादर हैड केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचर्स दे हैड हैड ऑन द आईलैंड जो फादर है वो क्या करते हैं रिकॉर्ड्स रखते हैं किस बात का रिकॉर्ड रखते हैं वो एडवेंचर्स उन्हें इन दस बारह सालों में उन्होंने जो कुछ भी एडवेंचर्स फेस किए थे उन सब का वो रिकॉर्ड रखते हैं ही एंड ही हैंडेड ओवर द जर्नल्स टू द कैप्टन टू बी पब्लिश देन द शिप डिपार्टेड और वो जो हैंडेड ओवर है यानी कि वो दे देते हैं विलियम जो है वो क्या करते हैं वो जो जनरल जनरल से यानी कि जो डायरी भी है कुछ रिकॉर्ड उन्होंने बना के रखे हैं डेली रिकॉर्ड जो एडवेंचर्स उन्होंने फेस किए थे उसके रिकॉर्ड हैं तो उस रिकॉर्ड की डायरी जो है वो कैप्टन को दे देते हैं और चाहते कि ये सब पब्लिश किया जाए देन द शिप डिपार्टेड और बाद में वो शिप वहाँ से चला जाता है यानी कि फ्रांस फ्रीड्स और जैनी को लेके वो शिप वहाँ से चला जाता है सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आवर दिस लेसन और uh, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं दिज आर द हार्ड वर्ड्स यूज इन दिस वीडियो और इसी के साथ हमने इस लेसन को कंप्लीट कर दिया है वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट लेसन थैंक यू